हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज तो सिर्फ एक ही शेयर से रिलेटेड बात होने वाली है डेफिनेटली, और उसका नाम है येस बैंक। आप सभी लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट ने कैसे रिएक्ट किया, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बोला था जब बाज़ार ओपन होगा तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मतलब अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट कमाने का बाय वे ऑफ ना शॉर्ट सेलिंग। मैंने क्लियर कट बोला था शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो इतना ओपन वे में। क्लियर कट मतलब बोलते हैं ना, इंडिकेशंस थे कि मार्केट खुलते ही येस बैंक में ज़बरदस्त गिरावट होने वाली है, और बट ट्रूली मैंने इतनी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि गिरावट की 166 तक आ जाए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 185 ज़्यादा से ज़्यादा, बट आप देख सकते हो 166, मतलब आप देख सकते हो मार्केट ने कितना येस बैंक के रिजल्ट को नेगेटिवली लिया है। तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स की इंट्रा डे ट्रेड से रिलेटेड मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ऐसे मौके जब भी आते हैं, जो ब्लाइंड मौके बोलते हैं उसको, मतलब आपको पता ही होता है कि शेयर का डायरेक्शन किधर जाने वाला है। मतलब इससे पहले अगर मैंने कॉल दिया था, वो दिया था TCS से रिलेटेड, TCS का रिजल्ट था वो स्ट्रीट मार्केट से मतलब बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन से एस्टिमेशन से भी ज़्यादा आया हुआ था। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट दिन जब यह मार्केट खुलेगा तो TCS का परफॉर्मेंस देखना, और आप सभी लोगों को पता है TCS में उस दिन शेयर मतलब बोलते ना शेयर में हर एक शेयर में 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी थी, मतलब इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। वैसे और एक बार हुआ था फ्रेंड्स PC ज्वेलर से रिलेटेड, कि PC ज्वेलर ने कहा था कि अपना बायबैक विड्रॉ कर लिया था, और उसके वजह से क्या हुआ था फ्रेंड्स कि शेयर में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आ गई थी। तभी भी मैंने आपको बताया था कि आप ये शेयर में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अल्टीमेटली मैं बोलना यही चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ऐसे अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलते हैं, ओपन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, तब आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसे अपॉर्चुनिटी हर वक्त साल में आ ही जाते, कम से कम 7 से 8 बार आ ही जाते। तो ये आज का दिन अगर आप देखोगे तो येस बैंक ने ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग के द्वारा प्रॉफिट बहुत सारे लोगों को दिया है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने भी आज ज़बरदस्त मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग के द्वारा इंट्राडे में प्रॉफिट मैंने कमा लिया है। तो जो मैंने आपको भी रिकमेंड किया था मंडे को मतलब ट्यूसडे को, मतलब आज मार्केट ओपन होगा तो आप भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो चलिए अब शेयर से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं कि आगे क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स। अगर मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ अलग अलग शेयर से रिलेटेड, बट मैं हमेशा मतलब बोलते हैं ना, मैंने ऑब्जर्व किया है जब भी मैं येस बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और आदित्य बिरला कैपिटल आप सभी लोगों को पता है उससे रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाता हूँ, और उससे रिलेटेड मैं जो हमेशा जो सच्चाई है वो सामने रखता हूँ। मैं नेगेटिविटी मतलब बोलते हैं ना फैलाता नहीं हूँ, जो सच्चाई है वो बताता हूँ। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिसलाइक्स आ जाते हैं। तो मुझे देखो, डिसलाइक से मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड्स कि इससे मुझे समझ में आता कि कितने सारे लोग शेयर से इमोशनली अटैच है, और ये बहुत ही गलत बात होती है। और ये ज़्यादातर करके रिटेल निवेशकों में ये बात पाई जाती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, नहीं मैं उस शेयर को छोड़ूंगा ही नहीं कितना भी वो नीचे पट के कितना भी हो। JP एसोसिएट कितने लोगों ने अभी भी मतलब बोलते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में रखा है, और आज भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शेयर ऊपर चला जाएगा। उन लोगों को पता है कि वो मैटर NCERT में, फिर भी। तो मैं ओवरऑल बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल शेयर मार्केट में नहीं चलता है। अगर कोई शेयर खराब हो चुका है तो आपको एग्जिट लेना ही पड़ेगा, लॉस है तो बुक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में सच्चाई वाली बात है। वरना अगर आप ऐसे शेयर को रख के लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखोगे और उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इससे अच्छा बैंक में पैसा डालो, वहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट से पैसा मिल जाएगा 7-8%। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हो मैंने ऊपर एक वीडियो भी बनाया था येस बैंक से रिलेटेड, तभी मैंने कहा था कि अगर आप येस बैंक खरीदना चाहते हो शेयर, तो आपके सिर के ऊपर एक हमेशा एक लटकती तलवार रहेगी जो कभी भी गिर सकती है, और यही हुआ फ्रेंड्स। आप देख सकते हो येस बैंक में कितना ज़बरदस्त गिरावट, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पर जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको समझेगा मैंने उसमें क्लियरली डिटेल में कहा था कि आप शेयर खरीद सकते हो 250 के ऊपर येस बैंक जा चुका था, बट वो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा जिस कंपनी में पूरा मैनेजमेंट चेंज होता है। जिस कंपनी का शेयर अगर आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखो तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी बड़ी गिरावट थी। तभी मैंने कहा था जब भी इतनी बड़ी गिरावट होती है तो वहाँ पे सस्पिशियस चीज़ होती है, सस्पिशियस मतलब डाउटफुल चीज़ है, जो एक दिन में सामने नहीं आती, वो बहुत आगे आगे सामने आती है। अगर आप देखोगे तो येस बैंक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसी सारी सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आती है। और ऐसा कौन सा शेयर है, DHFL में भी आप सभी लोगों को पता है कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, करीब करीब 500 600 700 वाला शेयर इतना 100 रुपये तक आ जाना ये कोई आम बात नहीं होती फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत कुछ इनसाइडर मैटर्स होते हैं। और इसलिए मैंने कहा था येस बैंक और DHFL दोनों शेयर से आपको दूर रहना है।
आपको अल्टरनेटिव मार्केट में बहुत मिलेंगे फ्रेंड्स। आपको मैंने कल ही वीडियो बनाया था HUL से रिलेटेड, तभी मैंने बताया था कि NSE की टॉप 3 कंपनी में थर्ड नंबर की कौन सी कंपनी है, वो एक बैंक है और उसका नाम है HDFC बैंक। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों को वो शेयर महंगा लगता है फ्रेंड्स। वो महंगा होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो वो आपको चैन की नींद देगा, ऐसा टेंशन भरा माहौल नहीं रहता है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स हमेशा कि कभी भी ऐसा शेयर में ज़बरदस्त गिरावट होती है तो उस शेयर में हम लोगों को प्रोबेबली नहीं रहना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या ये गिरावट और हो सकती है, नीचे जा सकती है? सर अभी आप देख सकते हो येस बैंक का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो इसमें कंटिन्यूसली गिरावट का ही पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगा था कि थोड़ा आधा घंटा आखिर में थोड़ा सा तो अगर चार्ट अगर ऊपर चला जाता तो आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती, बट ये कंटिन्यूसली नीचे जाने वाला चार्ट फ्रेंड्स ये संकेत देता है, स्ट्रांगली संकेत देता है कि ये शेयर में और भी गिरावट बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। और ये वापस मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो सच्चाई वाली बात है वही मैं बताना चाहता हूँ, ना ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में और ना ही मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं जस्ट यही आपको बताना चाहता हूँ और अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली गिरावट है फ्रेंड्स, तो आने वाले टाइम में अभी बाजार जब भी खुलेगा तभी वापस इसमें शायद से गिरावट आने की, मतलब आपको सेलिंग दबाव देखने को मिल सकता है, ये 150 तक भी जा सकता है। सो आप देख सकते हो इतनी भयंकर गिरावट क्यों हुई है, ये 30% की गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज करनी होती है बैंक को वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि ये एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है, जो कि मतलब बोलते हैं ना इतना वैलिड पॉइंट ही नहीं था। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ किसी भी बैंक का बिजनेस क्या होता है, पैसा लेना पैसा देना और जो भी बीच का मार्जिन होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। और NPA मतलब क्या, बैंक लोन देती है और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाती है तो कितना वो बढ़ रहा है। ओवरऑल जो उनका बिजनेस से कोर बिजनेस से रिलेटेड बात थी उन्होंने वो छुपाई हुई थी और वही उन्होंने डिस्क्लोज किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये लॉ में बताई हुई चीज़ है। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर येस बैंक को हैवी पेनल्टीज भी लगेंगी, बट किनको, जो पिछले मैनेजमेंट में थे उन लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने हाइड करके रखी थी या आप लोगों से छुपा के रखी थी। मतलब आप देख सकते हो ये थोड़ी अप्रिशिएट करने वाली भी बात है कि जो नया मैनेजमेंट आया है उन्होंने सच्चाई आपके सामने लाई है फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही अच्छी भी बात आप देख सकते हो कि जो मैनेजमेंट नया आया है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है। बट वापस मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने स्टेटमेंट करने के बाद वो इसको जल्दी ग्रैब करके लेते और पूछ लेते सर मतलब मैनेजमेंट अच्छा है डिस्क्लोज कर रहा है तो क्या खरीद ले शेयर। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, मार्केट में हमेशा हम लोगों को संभल कर चलने का होता है। तो क्या करें अभी स्टेप्स वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आपको शांत रहना है। बहुत सारे लोगों को ऐसी जल्दी फटाफट सोचने का होता है, अभी 166 में आ गया चलो खरीद लेते फटाफट शायद से वापस 200 जाएगा। फ्रेंड्स नहीं, इससे पहले भी येस बैंक ने ऐसे दिखाया, अगर आप चार्ट पैटर्न ही देख लोगे एक साल का तो आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेट हो जाएगा ये इतने नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी येस बैंक में होने की संभावना है क्योंकि मैनेजमेंट ने अभी अभी काम शुरू किया है फ्रेंड्स, और भी डिस्क्लोजर सामने आ सकते हैं। ये कोई एक ही मैटर नहीं था, ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जो फ्यूचर में आ सकते हैं और उसके वजह से येस बैंक में ये प्रेशर हमेशा बना रहेगा। बहुत ही मतलब अभी जो भी नए इन्वेस्टर रहेंगे उनके दिमाग में एक चीज़ तो हमेशा रहेगी कि मैं इसमें निवेश तो कर लूँ बट वापस अगर कुछ ऐसा डिस्क्लोजर सामने आ गया तो, और ये होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी शेयर अगर आप देखोगे इसका प्राइस पहले कितना था, 400 के अबाव करीब 400 पे था और उसके बाद अगर सडनली इतना डाउनफॉल हुआ था आप देख सकते हो, तो इतना डाउनफॉल हो जाने की रीज़न क्या होती है, कुछ तो गड़बड़ रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सो सबसे पहले जिनके पोर्टफोलियो में अभी ये शेयर है तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप होल्ड ही करें, क्योंकि इतना ज़बरदस्त गिरावट हो जाने के बाद अगर आप बेचोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस होगा और मैनेजमेंट भी अच्छा है आप देख सकते हो। तो आपको एक करना पड़ेगा, आपको अपना नज़रिया लंबा करना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, रिवाइवल होने के लिए बहुत टाइम जाता है तो आपको नज़रिया लंबा करना पड़ेगा, बट आपको एवरेज आउट नहीं करनी है। नीचे जा रहे शेयर इसलिए आपको एवरेज आउट बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये और भी नीचे जा सकता है। और फ्रेश बाइंग फ्रेंड्स, अभी तो फ्रेश बाइंग की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, और इससे पहले भी मैंने बोला था येस बैंक में आपको फ्रेश बाइंग कभी भी, मैंने हमेशा आपको बोला कि येस बैंक जैसे शेयर में आपको निवेश नहीं करना है क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी मतलब अगर वापस ये शेयर जा सकता है 200-250 तक वापस 6 महीने के बाद कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ जाए उसके नीचे वापस ये शेयर को नीचे वो ड्रैग कर सकता है।
बट कोई ऐसा बंदा रहेगा जो पूछ ही रहा था, सर मुझे फिर भी येस बैंक में बाय करना है, फ्रेंड्स तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वापस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी मैनेजमेंट ने ये संकेत तो दिया है कि मैनेजमेंट जो नया बदला है वो अच्छा है क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज किया है, तो आपको टाइम लगेगा फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब आपको करीब करीब 3 महीना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर, और तभी जाके हम लोगों को वापस ये जो रिजल्ट आएंगे तभी देखना पड़ेगा कि येस बैंक के शेयर में कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं। ये सारी बातें अगर हम लोग चेक करेंगे, मतलब जो NPA उन लोगों ने दिखाया है वो NPA का परसेंटेज कम हुआ कि नहीं, रिकवरी हुई कि नहीं, इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन किया है कि नहीं, ये हम लोगों को नेक्स्ट क्वार्टर में समझ में आएगा फ्रेंड्स। 3 महीने के बाद जब रिजल्ट इनके अनाउंस हो गए तब हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि येस बैंक के शेयर में आपको निवेश करना है या नहीं। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना फ्रेंड्स, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लगने लगता है जब 400-500 रुपये का शेयर 100 रुपये के करीब आ जाने लगता है, तो ऐसा लगता है बहुत ही सस्ता हो गया। बट जो मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि उसके पीछे की वजह देखो, हमेशा याद रखना उसके पीछे की हमेशा वजह होती है कुछ ना कुछ, और वो वजह बहुत ही बोलते ना मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बोलते ना खतरनाक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसीलिए इतना बड़ा गिरावट आप देख चुके हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को क्लोज करते वक्त वापस एक बार कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी है शेयर अभी होल्ड करना, जिनके पास ऑलरेडी है और वो एवरेज आउट करना चाहते हो तो प्लीज़ एवरेज आउट मत करना अभी, ये और भी नीचे आ सकता है बहुत हाईली चांसेस है। और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि अभी फ्रेश बाय आपको नहीं करना है, कभी करना है 3 महीने के बाद, मतलब नया क्वार्टर जब आएगा तभी हम लोग देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं। अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली मैं ही आपको बता दूंगा कि आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो। सो वीडियो क्लोज करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बोलना चाहता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो देखा, और उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बुरा मत मानना फ्रेंड्स, मैं आपके शेयर से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं जो सच बात है वो मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका पैसा जो है सुरक्षित रह पाए क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत से वो कमाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करना, और अगर इस चैनल में अगर आप नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।